नहीं नहीं वो तो, और किसान बहुत नाराज है पंजाब के, आप उसको संभालने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं वो तो मैं कैसे कह सकता हूँ, वो तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेट है। जो भी देखो काम कोई हो, आप एक मिनिस्ट्री में पहुंच जाएं, आप एक मंत्री बन जाएं, और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो भी ना आप एमपी हैं ना कुछ हैं, फिर भी आपको शपथ दिलवा दें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो इससे बड़ी बात पंजाब के लिए और मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। अमित शाह जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने सरेआम लुधियाना में ये बात कही कि इनको जिताकर लाओ, बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। देखो उनकी यारी, उनकी दोस्ती, उनका प्यार माना गया है और वो ही उन्होंने करके दिखा दिया। जो वो कहते हैं उससे कभी वो पीछे नहीं हटते। चाहे अब मैं तो सोचता था भी अब अगर मैं जीत के आता तो मुझे बनाते, अब जो उन्होंने वादा किया था वो कैसे निभाएंगे। लेकिन फिर भी जब नाम आया तो पता चला अमित शाह अमित शाह जी हैं। लुधियाना एक बड़ा शहर है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहां पे मील्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ड्रग्स का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, गैंगस्टर है, ये सारा पंजाब देख रहा है। और उन्होंने कंपैरिजन किया था बिहार और यूपी से, कैसे बदलेगा पंजाब? देखो बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्होंने वहां पे ये कहा भी पंजाब और जो मुश्किल स्टेट यूपी बिहार वो हम सुधार लिखिए, तो पंजाब क्यों नहीं सुधार सकते हम तो। पर लेकिन बात ये थी यहां तक कोई पहुंचे तो सही, हमने बीजेपी, हम दोनों कैंडिडेट खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना हमारा पड़ता है, गिजराम जी फतेहगढ़ साहब से लड़े और मैं लुधियाना से लड़ा, हमें ये भरोसा ही था 100%। हम सब लोग कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस ने कभी पंजाब के लिए सोचा ही नहीं कुछ। ये खास तौर पे हमारे वाल्मीकि समाज से हैं, बहुत बड़ा एक नाम है इनका, तो इसलिए सारे समूह एक तरफ बीजेपी के साथ खड़े हैं। भी हर कोई ये है यहाँ पे नशागर, और वहीं पे अमित शाह ने अनाउंस किया भाई एक ऑफिस है हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो का, हम 17 ऑफिस खोलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखना जिस दिन वो ऑफिस खुलेंगे और वहां पे आप सोचते हो कि नशे वाला दिख जाएगा, कोई नेक्सस उनका दिख जाएगा, अगर कोई होगा वो उठा के डिब्रूगढ़ जेल में होगा, अगर वहां होगा वो तिहाड़ में होगा, अगर वहां कोई होगा तो वो मध्य प्रदेश में होगा। तो इसलिए 17 दफ्तर खुलने एक बहुत बड़ा महत्ता है पंजाब के लिए, ड्रग्स के लिए, और दूसरे काम जो करने हैं फंड लेके जाना है वो मेरा काम है, इंडस्ट्री के बहुत बड़े इशू हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे गए, उन्होंने खुल सबसे वादा किया, और जैसे कि आपने कहा भाई किसानों का मुद्दा मैं खुद अपने कंधों पे उसे उठा के सेंटर से सब चीजें हल करवाऊंगा, मैं आपके माध्यम से ये किसानों को विश्वास दिलवाता हूं। आप एमओएस हैं, आप अपने दोस्त के अंदर काम करना पसंद करेंगे, एमओएस होम पसंद करना पसंद करेंगे? देखो मैं तो कुछ भी सारे मुद्दे आपके जो भी होम मिनिस्ट्री के अंदर देखो हाथ, चाहे मुझे तो कोई महकमा मिले, महकमा एक अलग चीज होती है, काम तो आपने सारे देश के लिए करना है, वो कुर्सी मिनिस्ट्री की बड़ी है, महकमा महत्व नहीं रखता।